नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। भारत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास इलेक्शन बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सिंह जी। चूंकि ग्वालियर से आप आते हैं और पिछली बार के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो ग्वालियर से आप अकेले विधायक चुनकर आए थे, एक बार फिर से चुनाव की दहलीज पर इस वक्त खड़ा है राज्य और ग्वालियर, क्या इस बार तैयारियां हैं? अन्य दल केवल चुनावी राजनीति करते हैं और चुनाव के बाद वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसा दल है जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए चुनाव में के मूड में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और दल रहता है जी। और इसी प्रकार से आज हम जो सरकार में, केंद्र में, राज्य में और जनता का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण भरोसा है हमारी सरकार के कामों पर, जनता को भी भरोसा है और निश्चित रूप से जो भी चुनाव होंगे हमें पूर्ण विश्वास है जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दोराय नहीं। भारत सिंह जी, आप चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इसी इलाके से आते हैं, बड़े कद्दावर मंत्री हैं, उनके समर्थक माने जाते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के फिर से पार्टी में आ जाने के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां यहां पर बदली हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बदली होंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से गरीब और किसानों के लिए समर्पित सरकार है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिस तरह से मेहनत करके प्रदेश को एक विकास के मामले में नई गति देने का जो भरसक प्रयास किया है, नहीं 2003 के पहले के भी मध्य प्रदेश को हमने आपने देखा है शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से, चाहे हम शिक्षा के, तो कुल मिलाकर जिस तरह से कुशवाहा जी आप कह रहे हैं कि जो काम किए हैं शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जनता का विश्वास बढ़ा है। मेरा सवाल दरअसल कार्यकर्ताओं के विश्वास के संदर्भ में भी है कि जिस तरह से सिंधिया के साथ में उनके समर्थक विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, एक अलग विचारधारा की पार्टी से जुड़े हुए थे, फिर यहां पर आए और लगातार अब सरकार में भी शामिल हैं, कई विधायक वापस तो उसमें से चुनकर आ गए, तो जो पुराने कार्यकर्ता थे जो लगातार मेहनत कर रहे थे पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या उनके भीतर कोई असमंजस या कोई असंतोष की स्थिति तो नहीं है? हमारा एक ही संकल्प है सभी कार्यकर्ताओं को कि हम पार्टी की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएं। विचारधारा को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के लिए नई कई योजना बनाएंगे, तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत सफलता की ओर इसलिए है, कार्यकर्ताओं के मन में इसलिए कोई दुविधा नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा विचार और विचारधारा दोनों का विस्तार हो रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य यही है। और आपने जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं ग्वालियर अंचल के बारे में, माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के बारे में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अब कहीं कोई अलग दल की तो बात है ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हैं वो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है, वो भी कार्यकर्ताओं के बताए हुए कामों को करते हैं और वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो समान विचारधारा है, सभी को साथ लेकर चलने वाली जो विचारधारा है, उस पर सभी हमारे नेतागण काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को पूर्ण भरोसा है। निकाय चुनाव के जो परिणाम थे, कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित इससे नजर आ रही है और ये दावा भी कर रही है कि 2018 में यही ग्वालियर चंबल संभाग था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही थी, बाद में परिस्थितियां बदली और सत्ता चली गई। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में खासतौर पर जिस तरह से मुरैना और ग्वालियर का परिणाम आया महापौर के संदर्भ में, तो क्या जनता के मूड को भांपने में कुछ चूक हो गई या प्रत्याशी चयन में कुछ चूक हो गई, इसको किस तरह से देख रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी? भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक जगह पे जीती और नगर निगम क्षेत्र की बात करें मुरैना ग्वालियर की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से कांग्रेस की ये स्थिति है कि जैसे ही चुनाव आता है कांग्रेस मौसम के अनुसार तैयार होती है, प्रदेश की जिस तरह से बरसात के समय बरसात शुरू होती है, जुगनू तैयार होते हैं, जगमगाते आपने देखा होगा, बरसात खत्म वैसे ही जुगनू समाप्त, ऐसे ही
कांग्रेस कभी प्रदेश की तरक्की और प्रगति के लिए, लोगों की भलाई के लिए कभी काम नहीं कर सकती है। इसलिए जनता अच्छी तरह से जानती है, हमें नगर निकाय के चुनाव में भी बेहतर सफलता इसलिए मिली, तीन नगर निकाय में अगर महापौर कांग्रेस के बने तो बहुमत हमारा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रत्याशी हो या व्यक्तिगत, बहुत सारी चीजें रहती हैं, चुनाव चुनाव होता है और अधिकतर जगह पर, सर्वाधिक जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। आप अगर नगर पालिका के क्षेत्र में जाए, नगर पंचायत के क्षेत्र में जाए, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव जीता है। इसी प्रकार से अगर जिला पंचायत जनपद क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण अंचल में भारी सफलता मिली है और शहरों में अपनी सफलता को बरकरार रखने में भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव में सफलता प्राप्त की है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे चुनाव स्थानीय हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में रहता है। और कुल मिला के ये काम करने का मन जब लगता है, जब जनता को भरोसा, भारतीय जनता पार्टी पर जनता को भरोसा है, विश्वास है, इसलिए बार बार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। कुशवाहा समाज से आप आते हैं, कुशवाहा समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर भारत सिंह कुशवाहा की पहचान पूरे मध्य प्रदेश में है, और यही वजह है कि जहां पर भी उपचुनाव भी होते हैं तो वहां पर आपको स्टार प्रचारक के रूप में उस इलाके में लगातार भेजा जाता है। इस बार चूंकि कुशवाहा समाज कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और दूसरा ये कि आपकी इस 2023 में जो रोल है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व है, यहाँ परिश्रम की पहचान है, कार्यकर्ता की पहचान है, जो कार्यकर्ता आधारित दल है, इसमें सभी समाजों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेंगे। और निश्चित रूप से मुझे या मेरी जगह और भी कोई कार्यकर्ता होता तो अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और जिस तरह से हम लोगों को, चाहे उपचुनाव हो चाहे मेन चुनाव हो, इनमें जो भी जिम्मेदारी मिलती है हम उसमें पूरा खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसलिए कि उपचुनाव में सब जगह जहां हम लोगों को भेजा जाता है कार्यकर्ताओं को, हमको सफलता इसलिए मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कहते हैं कि नेतृत्व की अगर नीयत ठीक है तो नीति भी ठीक होगी। हमारे नेतृत्व की नीयत भी ठीक है, नीति भी ठीक है कि हमारे पास एक अच्छा नेतृत्व, देश के अंदर एक अच्छा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के रूप में और प्रदेश में माननीय शिवराज जी के रूप में। जी, 2023 के संदर्भ में अगर बात करें तो कौन चेहरा रहने वाला है? क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ ही आगे जा रहे हैं? ये सवाल दरअसल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े चेहरे इस वक्त हैं जो कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। इसको किस तरह से लेते हैं और 2023 की जो चुनाव है उसके चेहरे को लेकर आप क्या कहते हैं? भैया, दावेदारी तो अन्य दलों में, अन्य दलों की स्थिति है कि जिस तरह से आपने कांग्रेस की स्थिति को देखा होगा, कांग्रेस में तीन तीन चार चार मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी दल है और एक सामूहिक सोच के साथ कोई भी निर्णय होता है। आज हमें निश्चित रूप से, मैंने जैसा कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही अच्छा संगठन है, मजबूती के साथ काम कर रहा है और शिवराज जी के नेतृत्व में हम लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां भारतीय जनता पार्टी 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी, इसमें सरकार के अच्छे काम की वजह से, संगठन की अच्छी कुशल रणनीति की वजह से, दोनों मिलाकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता सरकार के कामों के वजह से, उस कुशल जैसे संगठन की कार्य कुशलता के वजह से फिर चुनाव में हम विजयी प्राप्त करेंगे। अभी हाल ही में एक बयान हमारे पास में पहुंचा है, पूर्व मंत्री हैं लाखन सिंह, उनके भतीजे हैं कांग्रेस नेता संजय सिंह, वो ये कहते हैं कि भविष्य में जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने का उनका सपना है। इस पर क्या कहेंगे? आप यही से अंदाज लगा सकते हैं कि देखो कांग्रेस कोई कार्यकर्ता आधारित दल नहीं है। कांग्रेस कोई विचार नहीं है, कांग्रेस में व्यक्तिवादी विचारधारा है। कौन किसकी कह रहा है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसलिए कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री बनने को फिर रहे हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। अब घर में चाहे हम कोई किसी को भी तहसीलदार बना ले, जनता आशीर्वाद देगी तो वही तो बनेगा। अकेले कैंडिडेट क्या हो जाएगा?
इसलिए ये कहने में कोई दम नहीं है जी, ये तो व्यक्तिगत किसी का भी कोई समर्थक हो सकता है। आखिरी सवाल, मैं इस बात 2023 ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनते जी, आखिरी सवाल 2023 में क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत तो ज्यादा था लेकिन सीट उतनी नहीं आ पाई जिसकी वजह से सत्ता से दूर हो गई थी पार्टी, इस बार क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? सरकार के लिए इतनी कांग्रेस छटपटाई 2018 में, इतना झूठ परोसा कि झूठ की पोल 15 महीने के अंदर खुल गई, जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए चुनाव में मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का विश्वास और भरोसा जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, माननीय शिवराज जी के कामों के ऊपर है, संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर है, निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है, न कोई शंका न कोई वैसी बात मन में जी। 100% हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस नेतृत्वहीन है, आपको सब पता है कांग्रेस की क्या स्थिति है, कि कांग्रेस में कल नेता तैयार होने वाले मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, कई स्थितियां है। इसलिए जनता अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और कोई नहीं ले जा सकता है जी। इसलिए कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कोई शंका वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। भारत सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जो कि आश्वस्त नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर और अपने खुद के प्रदर्शन को लेकर भी। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार।